सो रिफ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आप लोगों के कुछ पूछे गए क्वेश्चंस को। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि कल हमारे चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि कल मैं अपने पर्सनल काम में कहीं बिजी था, इसकी वजह से जो वीडियो है वो एक भी नहीं आ पाई। तो यार उसके लिए सॉरी। मैं आगे से कोशिश करूंगा कि रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियोज आती रहे। बात करता हूँ से पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो निकल कर कहता है अशोक कुमार की तरफ से। ये पूछते हैं कि Realme G1 स्मार्टफोन कब आएगा। देखो यार, Realme G1 स्मार्टफोन ऑनलाइन स्पॉट वगैरह भी हो चुका है। Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनी ने ऑफिशियली इसका लॉन्च कंफर्म कर दिया है, क्योंकि ये स्मार्टफोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पॉट हो गया था और जल्दी ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अभी तक ये कंफर्म लॉन्च डेट आई नहीं है कि एक्चुअल में ये स्मार्टफोन किस दिन लॉन्च होने वाला है। बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल कर कहता है जयदीप मजूमदार भाई की तरफ से। ये बोलते हैं आई एम वेटिंग एंड एक्साइटेड फॉर मी पैड 5 सीरीज। अगर आप मी पैड 5 सीरीज का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है, क्योंकि जल्दी ही जो Xiaomi है वो यहां पर अपने मी पैड 5 वगैरह को लॉन्च करने वाला है। बात करता हूं आपसे यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल कर आता है स्मित पटेल की तरफ से। ये बोलते हैं कि ब्रो पोको X3 GT कब आएगा, प्लीज रिप्लाई। पोको X3 GT स्मार्टफोन बहुत जल्दी मे भी आपको देखने को मिल जाए, हालांकि कंपनी अभी पोको F3 GT पे काम कर रही है। पोको X3 GT स्मार्टफोन कहां है इसके बारे में उतनी तो कंफर्म नहीं, डिटेल नहीं है, लेकिन जहां तक लगता है कि जल्दी ही जो स्मार्टफोन है वो यहां पर पोको X3 GT स्मार्टफोन को भी इंडिया में लॉन्च करेगी। आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन में भी आपको अगस्त तक इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल करता है विजय यादव की तरफ से। ये बोलते हैं कि ब्रो रियलमी नार्जो 30 6GB 128GB का ऑफलाइन प्राइस कितना है, प्लीज रिप्लाई। देखो यार, ऑफलाइन में स्मार्टफोन जो है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा ही देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन मार्केट से, क्योंकि ऑफलाइन में ये स्मार्टफोन ऑफिशियली तो मिलते नहीं है, ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही परचेस करना प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह से आप यहां पर और ऑफिशियली तौर पर ये स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट के लिए बने ही नहीं है, ये ऑनलाइन मार्केट के लिए है। तो ऐसे में आप अपने लोकेलिटी में पता कर सकते हैं, यहां पर मार्केट टू मार्केट जो प्राइजेस हैं वो काफी हद तक वैरी कर सकती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल करता है परख सिंह की तरफ से। ये बोलते हैं कि Realme 9 5G में कितने बैंड सपोर्ट करेंगे इंडिया में। देखो यार, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि Realme 9 5G स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा होगा, तो उसके पहले ये चीज कहना कि Realme 9 5G स्मार्टफोन में कितने बैंड सपोर्ट करेंगे, ये मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, क्योंकि अगर प्रोसेसर ही कंफर्म नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कितने बैंड सपोर्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी ही इसके बारे में काफी कुछ डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी, इनफैक्ट यहां पर प्रोसेसर वगैरह के भी बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल जाता है अजीम मोहम्मद की तरफ से। ये बोलते हैं कि हाय ब्रो, आई वांट टू बाय iQOO Z3 5G, से अबाउट दिस फोन। iQOO Z3 5G स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आपका बजट इतना है तो आप इस स्मार्टफोन को जाकर के परचेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इस स्मार्टफोन में नहीं है। बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल जाता है पार्थ नंद तिवारी की तरफ से। ये बोलते हैं कि भाई इस महीने फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे सेल आएगा या नहीं। देखो यार, अभी फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक डे सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे, तो बिग सेविंग डे सेल मे बी लास्ट में आपको देखने को मिल सकती है, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। हालांकि बिग सेविंग डे सेल के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि जुलाई के महीने में बिग सेविंग डे सेल आएगी लास्ट में, देखते हैं फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, आप थोड़ा सा वेट यहां पर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर निकल कर आता है ईसा की तरफ से। ये पूछती हैं जो भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ये पूछते हैं कि सैमसंग का फोन जल्दी हैंग हो जाता है क्या। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं कि सैमसंग के फोन जल्दी हैंग हो जाते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सैमसंग के कुछ जो स्मार्ट, अगर हम यहाँ पर 15,000 रुपए का बजट लेकर के चले सैमसंग के स्मार्टफोन का, तो इनमें जो प्रोसेसर होते हैं वो काफी हद तक ये लोग पुराना यूज करते हैं। इनका सैमसंग का एक्जिनोस खुद का जो प्रोसेसर है वो ज्यादातर स्मार्टफोन में यूज होता है, और जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा यहाँ पर लो क्वालिटी का होता है। तो ऐसे में जो फोन है वो ज्यादातर कहीं ना कहीं यहाँ पर हैंग होने लगते हैं, और कुछ टाइम के बाद में जब आप इन स्मार्टफोन को यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सैमसंग के सभी फोन हैंग होने लगते हैं, ये आपके प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरी चीज कि ये आपके यूज के भी ऊपर डिपेंड करता है। बात करता हूं आपसे यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल कर आता है अवाते विकास की तरफ से। ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। यार, मैं हर एक वीडियो में स्टार्टिंग में चिल्ला के बोलता हूँ हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी, आप उसके बाद भी पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। यार, मेरा नाम राहुल है। बात करता हूँ आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल कहता है प्रद्युम सिंह की तरफ से। ये पूछते हैं कि राहुल भाई, रियलमी 9 स्मार्टफोन की कंफर्म इंडिया लॉन्च डेट क्या है, क्या ये स्मार्टफोन 30 जुलाई के आसपास में इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि मुझे एक नया स्मार्टफोन लेना है, और अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो इसकी कंफर्म प्राइस क्या रहेगी।
तो देखो यार, ये जो स्मार्टफोन है जुलाई में तो डेफिनेटली लॉन्च नहीं होगा, इतना मैं आपको पहले बता दूं, जुलाई में ये स्मार्टफोन नहीं आने वाला है, 30 जुलाई के आसपास में बिल्कुल नहीं आएगा। ये स्मार्टफोन पूरा चांस है कि आपको अगस्त के महीने में रियलमी 9 सीरीज के स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इस स्मार्टफोन के अभी तक कन्फर्म प्राइस आई नहीं है, इनफैक्ट इस स्मार्टफोन के कन्फर्म फीचर्स ही नहीं आए हैं, तो प्राइस यहाँ पर कैसे कन्फर्म आ सकती है। आप ये मान करके चल सकते हैं कि मे बी ये जो स्मार्टफोन है वो 15,000 रुपए से कम की प्राइस पे आपको देखने को मिल सकता है, 14-15,000 रुपए के आसपास में यही यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी इसे स्मार्टफोन के बारे में कोई भी कंफर्म डिटेल नहीं है। आप ये मान करके चल सकते हैं कि अगस्त के लास्ट तक ये जो स्मार्टफोन वो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। वैसे जैसे इसके बारे में कोई भी और अपडेट आती है मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर ही दूंगा। बात करता हूँ आपसे पर अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर निकल कर जाता है मोहम्मद गौड़ा की तरफ से। ये पूछते हैं कि पोको M2 प्रो स्मार्टफोन इंडिया में 10,000 रुपए की प्राइस पे कब मिलेगा, मुझे इस स्मार्टफोन को परचेस करना है, क्या सेल में लेना सही होगा। देखो यार, अगर आप यहाँ पर इस स्मार्टफोन को सेल मिलना चाहते होंगे बड़ी सेल में, जैसे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल वगैरह हो गई, तो सस्ते में तो ये स्मार्टफोन मिल जाएगा आपको, 11-12,000 रुपए की प्राइस पे मिल जाएगा कार्ड वगैरह लगाने पे। लेकिन अगर आप ये मानकर चले कि मुझे 10,000 रुपए की प्राइस पे आ जाएगा, तो ये मैं कंफर्म आपको बता नहीं सकता कि 10,000 रुपए की प्राइस पे आपको पोको M2 प्रो स्मार्टफोन मिल ही जाएगा सेल में। आप देख सकते हैं ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर जो कंपनी है वो कितना ऑफर वगैरह इस स्मार्टफोन पे देती है। हालांकि ये सेल की बातें हैं, सेल आएंगी उसी टाइम पे हम इस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। बात करता हूँ आपसे पर अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल गया था शुभम पटेल की तरफ से। ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट डे सेल कब आएगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, और इस सेल में हम यहाँ पर सस्ते में स्मार्टफोन कब खरीद पाएंगे। देखो यार, जो फ्लिपकार्ट इंडिपेंडेंट डे सेल है ना, वो आपको मिल जाएगी 15 अगस्त के पहले ये जो सेल है वो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें बेसिकली आपको स्मार्टफोन वगैरह पे काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बात करता हूँ आपसे पर अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल करता है प्रदीप सिंह की तरफ से। ये बोलते हैं कि भाई Redmi Note 11 स्मार्टफोन में हमें AMOLED और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल सकती है 14,000 रुपए की प्राइस पे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए Redmi Note 10 स्मार्टफोन को, तो Redmi Note 10 स्मार्टफोन में ऑलरेडी AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिली है, और यहाँ पर हम पूरा एक्सपेक्ट करेंगे कि Redmi Note 11 स्मार्टफोन में हमें यहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में कम से कम AMOLED डिस्प्ले देखने को मिले, तो ये जो स्मार्टफोन है काफी अच्छा निकल करके आ पाए 15,000 रुपए की रेंज में। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। देखते हैं आखिर यहाँ पर जो Redmi है वो Redmi Note 11 स्मार्टफोन को किन खूबियों के साथ में लॉन्च करती है। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो निकल गया है शैलेंद्र सिंह की तरफ से। ये बोलते हैं कि माइक्रोमैक्स क्या यहाँ पर बंद होने वाला है, क्योंकि माइक्रोमैक्स के कोई भी स्मार्टफोन नहीं लॉन्च हो रहे हैं। तो देखो यार, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ माइक्रोमैक्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि यार ये लोग स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी हाइप क्रिएट किए, बट आते आते हाल वही हो गई कि ये लोग 4 महीने में अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। कम से कम इनको 1 महीने में अपना एक स्मार्टफोन तो इंडिया में लॉन्च करना ही चाहिए, क्योंकि और भी जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं, अगर हम कंपटीटर स्मार्टफोन कंपनीज को देखें तो वो महीने में अपने 3-3, 4-4 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दे रही हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स का कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो यहाँ पर कंपनी पे उतना तवज्जो नहीं देती, उसको भूलना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे में माइक्रोमैक्स को एक्टिवली काम करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि माइक्रोमैक्स बंद होने वाली है, फिलहाल इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। देखते हैं आखिर माइक्रोमैक्स जो है वो कितना अच्छा काम कर पाती है, और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये लोग दोबारा से कमबैक किए हैं तो काफी अच्छे से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में काम करें, तभी इनकी जो कंपनी है वो काफी अच्छे से यहां पर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में टिक पाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में और हमारा लास्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो यहां पर निकल कर कहता है सूरज यादव की तरफ से। ये बोलते हैं राहुल भाई, 5G इंडिया में क्या अगस्त से रोल आउट होने वाला है। देखो यार, अभी ये अपडेट आई थी कि जो 5G है वो 15 अगस्त को PM की तरफ से अनाउंस हो सकता है इंडिया में, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, एक छोटी सी लीक निकल करके आई थी, लेकिन अगर 15 अगस्त को अनाउंस होता है तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे मे भी यहां पर रोल आउट होना स्टार्ट हो ट्रायल पूरा होने के बाद में। देखते हैं, 5G के ऊपर अभी कोई भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ में जरूर से शेयर करूंगा। तो दोस्तों, फाइनली ये थे कुछ आप लोगों के कुछ पूछे गए क्वेश्चंस जो कि मैंने कवर कर लिए। अब आपका क्या कहना है इन सभी चीजों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों, ये था उस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।